नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया। कमलेश यादव हत्याकांड में एक और नया खुलासा हुआ है। इस बार उनकी पत्नी सामने आई हैं। उन्होंने बताया कि हत्या के करीब 10 दिन पहले वह गोवा घूमने गए थे। उन्हें कोई भी टेंशन नहीं थी। उन्हें देखकर कभी लगा ही नहीं कि वो खुश नहीं हैं। उनकी पत्नी ने बताया कि हत्या की शाम को कमलेश नहा के बैठे थे कि उनके दोस्त सौरभ, जो कि कमलेश की पत्नी को अपनी बहन मानते थे, उनके घर आए। उन्होंने साथ में ही नाश्ता किया और इसके बाद वो दोनों साथ में थार लेकर ऑफिस जाने की बात कहकर घर से निकल गए। जब करीब 8:30 बजे उनकी पत्नी ने उन्हें फ़ोन लगाया, तब वह जल्द ही घर वापस आने की कहने लगे। इसके बाद जब कमलेश काफ़ी देर तक घर नहीं पहुंचे, तो उनकी पत्नी ने दोबारा फ़ोन लगाया। इस बार उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। कुछ देर बाद कमलेश के भाई राजेश यादव के पास फ़ोन आया कि कमलेश का एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद की घटना तो आप सभी को मालूम है। अब इसके बाद शक के घेरे में उनके मित्र सौरभ भी आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और अब तक कातिल का कुछ भी पता नहीं लगा है। आगे की खबर जानने के लिए देखते रहिए लुक मीडिया। एक मिनट हमारे साथ।